सो मैंने बनाया है अपने हस्बैंड के लिए मॉर्निंग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट। दिमाग खराब है, चलेगा। सो फाइनली सेशन हो गया कंप्लीट और हम लोग जा रहे हैं अपने घर। कंट्रोल जंग थोड़ा लंबा लड़ने होगा तभी जाके दोनों आएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लवलीन की दुनिया ब्लॉग। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग एंड बहुत सारा जो कहते हैं ना रिक्वेस्ट मुझसे किया गया था मेरी फैमिली मेंबर्स भी, क्योंकि मैं काफी वेट लूज कर रही हूँ और अभी वेट लूज की जर्नी में चल रही हूँ। तो मुझे कहा गया था कि आप एक ऐसे वीडियो डालिए जिसमें आप पूरे दिन में क्या खाती हैं और क्या क्या चीज़ें कर रही हैं वो मुझे जानना है। तो आज का वीडियो वही होने वाला है, व्हाट आई ईट इन अ डे। सारे दिन में मैं क्या खाती हूँ, क्या करती हूँ और वेट लॉस जर्नी में मैं क्यों किस वजह से आई हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम ऑन माय चैनल। मेरा नाम है लवली और मेरे चैनल का नाम है लवली इनकी दुनिया ब्लॉग। तो आफ्टर सिजेरियन जो है ना मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा गेन हो गया था और उस टाइम से मैं खुद से कंट्रोल करती तो थी, मगर जैसे कहते हैं ना एक कोच एक जो होना चाहिए एक्सपर्ट वो नहीं था। बट फिर भी मैंने 10 kg से 15 kg कम किया खुद से, बट अभी आके अटक गई हूँ और मुझे और होना है। इस वजह से ही मैं ज्वाइन की हूँ हर्बल लाइफ और उसके बाद मैं वहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो प्रोटीन शेक देते हैं, एनर्जी ड्रिंक देते हैं एंड एक्सरसाइज होता है रोज, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आपको भी वेट लूज करना हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत इंस्टेंट रिजल्ट देता है एंड हम खुद से तो कंट्रोल करते हैं बट बहुत नॉलेजेबल बातें बताई जाती है जो हमें नहीं पता होती है। तो आज की वीडियो में यही डिस्कस करने वाली हूँ कि मैं दिन भर में कैसे क्या खाती हूँ और कैसे कैसे अपना रूटीन फॉलो करती हूँ और मेरा वेट कितना कम हुआ है वो भी आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। सो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे इस तरीके के ब्लॉगिंग वीडियोस हमेशा शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मेरे मॉर्निंग ही होती है एनर्जी ड्रिंक से। तो एनर्जी ड्रिंक मेरे माइक्रोवेव में मैं बना के अभी जस्ट रखी हूँ, चलिए देखते हैं। तो आज चला गया है स्कूल एंड सो एनर्जी ड्रिंक मेरा रेडी हो चुका है। मेरा एनर्जी ड्रिंक बिल्कुल रेडी हो चुका है, सो मैं इंजॉय करूंगी अभी एनर्जी ड्रिंक। तो इसे गरम ही गरम पीना होता है। तो अर्ज अभी गया है स्कूल, आज है फ्राइडे एंड फ्राइडे के दिन उसका थोड़ा जल्दी छुट्टी हो जाता है। मैं ब्रेकफास्ट तैयार कर चुकी हूँ एंड बस सबको देना है, उसके बाद मैं कंटिन्यू करती हूँ वीडियो को कि कैसे क्या क्या मैं सारे दिन करती हूँ। तो चलिए। सो मैंने बनाया है अपने हस्बैंड के लिए मॉर्निंग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, जिसके लिए मैंने बनाया आलू पराठा, मीठा दही स्वीट है एंड थोड़ी सी जलेबी। तो लीजिए आपका नाश्ता मैं ला के दे रही हूँ, उठ जाइए, उठिए। तो मेरे हस्बैंड को मॉर्निंग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में सो मैं उन्हें गर्मा गर्म आलू का पराठा आज मैं बना रही हूँ। सो ये जो है ब्रेकफास्ट अब मैं बना रही हूँ ना, वो मैं अपने दिन ही बन सॉरी मोबाइल को रखना बहुत ही। सो ये मेरा मॉर्निंग का नाश्ता बिल्कुल भी नहीं होता है, तो आप बिल्कुल कन्फ्यूजन ही मत होइएगा कि ये मेरा नाश्ता होता है। मेरा ना ब्रेकफास्ट होता है सेक, बट हस्बैंड को पसंद है आलू का पराठा, तो मॉर्निंग मॉर्निंग में वही बन रहा है। सो आप अपने ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं मुझे जरूर डीएम करिएगा कि आपको अपने ब्रेकफास्ट में क्या लेना पसंद है। तो सिंपली आलू को भरेंगे एंड जस्ट अर्ज को मैं बना के मॉर्निंग में ही दी हूँ और वो खा के गया है। हस्बैंड को भी अब दूंगी, फिर वो भी खा के जाएंगे, बच जाऊंगी अकेले। मैं
बनाते बनाते मैं ना इंजॉय कर रही हूँ एनर्जी ड्रिंक। सबको लंच सॉरी ब्रेकफास्ट देने के बाद मैं अपना शेक तैयार कर चुकी हूँ एंड सबका ब्रेकफास्ट था आलू का पराठा, मैं जैसा कि मैं शेयर कर रही हूँ। और अब मैं जा रही हूँ शेक लेने के लिए क्योंकि ये मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम है और इससे एक दो घंटा के बाद मैं लेने वाली हूँ कोई भी फ्रूट, सीजनल फ्रूट लेती हूँ या फ्रूट सैलेड लेती हूँ। तो ये है मेरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। अगर आपको भी वेट लॉस करना है तो थोड़ा तो कुछ करना होगा, बट वैसे बताऊं मैं एक चीज, ये बहुत ही टेस्टी लगता है मुझे तो। सो बिल्कुल भूख नहीं लगती है और टेस्टी भी लगता है पीने में, और जब जैसे जैसे वेट लॉस होने लगेगा ना तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। तो आज है फ्राइडे तो फटाफट से सारा काम भी करना है, साथ में सेक भी पीना है। कुछ कपड़े हैं जो मुझे तय करने हैं, पता है मेरे साथ यही प्रॉब्लम होता है, मैं अकेले बोल के ना मुझे मोबाइल रखने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। सो कुछ कपड़े मैंने धो रखे थे तो उसे मैं तय करूँगी, उसके बाद फिर लंच की तैयारी करनी है मुझे। सो आप में से कितने लोग हैं जो फ्राइडे को बहुत बिजी रहते हैं? पता है क्या होता है ना, फ्राइडे को जितना भी काम से ज्यादा टेंशन रहता है। तो फाइनली सारा चीजें हो गई है, तो मेरा भी प्रोटीन शेक खत्म हो गया है एंड बहुत कम बचा हुआ है, तो मुझे वहाँ हर्बल लाइफ क्लब में जाना होगा, अपनी सारी चीजें लेनी होगी। तो मैं आपको जरूर वहाँ लेके चलूंगी कैसे लोग वेट लॉस कर रहे हैं और कितना मतलब मोटिवेशन मिलता है वहाँ पे, स्पेशली हाउसवाइफ ज्यादा रहते हैं तो मैं वहाँ जरूर आपको लेके चलूंगी। तो मैं यही शेयर कर रही थी कि मैं सारे दिन में क्या खाती हूँ, तो यही है मेरा ब्रेकफास्ट। और फिर जैसे मैं एक डेढ़ घंटे के बाद जब फ्रूट्स लूंगी तो जरूर आपको दिखाऊंगी। सो मैं हो गई हूँ यहाँ रेडी और मैं जा रही हूँ क्लब, जो मैं आपको बताई थी कि मैं जा रही हूँ अपनी फिटनेस क्लास। आज मीटिंग है, हर फ्राइडे मीटिंग होती है। सो आज मेरा था डिटॉक्स डे, तो मैंने कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ और सिर्फ वाटर, जूस एंड शेक पी करके हूँ। और अगर मैं लंच में लेती हूँ तो मैं लेती हूँ बहुत हल्का लंच, जैसे कि थोड़ा सा राइस, दो कटोरी दाल एंड दो कटोरी सब्जी। एंड यहाँ पे आते ही बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा था और बहुत ज़्यादा ही मतलब यहाँ कहते हैं ना कि सर बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते, तो मैं अपने देवर को पकड़ के लेके आई, हस्बैंड थे नहीं घर पे, वो थे शॉप पे, तो मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं सर देवर को घर पे है आज, मैं उन्हें पकड़ के लेके जाती हूँ। और स्कूटी नहीं था घर पे, इस वजह से मुझे तो किसी के साथ आना था, थोड़ा सा डिस्टेंस में है इस वजह से मैं अकेले आने के लिए थोड़ा स्कूटी का ज़रूरत होता है, बट स्कूटी आज घर पे थे नहीं थी। सो यहाँ पे आने के बाद मैं देखी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, ये मेरा फर्स्ट ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास था, हमेशा ऑनलाइन में सबको देखी हूँ और पर्सनली मिलके काफ़ी अच्छा लगा। और मेरे सर बहुत अच्छे से जो कहते हैं ना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दे आप कैसे क्या चीज़ें खा सकते हैं, क्या चीज़ नहीं खा सकते, कैसे आप वेट लूज़ करिएगा, क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो सारी चीज़ें इस क्लास में बताई जाती है। तो मेरे लिए ये बहुत मस्त था, ये आज का क्लास बहुत अच्छा था। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी समझते हैं, बच्चा नहीं होना, बच्चा का प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम आप पता कर सकते हैं। एज ए ओबेसिटी, मोटापा, सिर्फ मोटापा इतना सारे नंबर लगता है, बाकी अलग है, ठीक है, बोनस वाला बात भी बताइए, ये सारे डायरेक्टली मिल सकते हैं। और दुनिया यहाँ पे हम लोग इंजॉय करें एवरेश, एवरेश पीना बहुत मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। तो ब्रेन हेल्थ की बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, 99% लोग इसे पे जल्दी कंट्रोल ब्लड प्रेशर, मेरे साथ आए मेरे देवर भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, इस
छह सात एरिया में अगर कोई काम करेगा उसको कभी बीमार नहीं है, समझ में गया? क्योंकि सारे बीमार का जड़ ये छह सात जगह है। कोलेस्ट्रॉल हाई है, ब्लड कार्ड हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन प्रॉब्लम है, पागल है, मोटापा है, चल फिरने में सारे जगह प्रॉब्लम है, समझ में आ गया? तो इन सारे एरिया में अगर हम लोग काम करेंगे तो हेल्दी रहेंगे लाइफ लॉन्ग। क्लियर हो गया? अब फिटनेस पार्ट खत्म। अब आते हैं जबरदस्त जगह पे। मैंने यहाँ पे क्लास को किया ख़त्म और उसके बाद मैं वापस घर को आ गई क्योंकि शाम बहुत ज़्यादा हो गई थी। एंड यहीं पे मैंने आज अपना वेट मेज़र भी किया, मेरा काफ़ी कम हुआ था। एंड नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत एक्साइटिंग चीज़ें बताऊँगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।